और एक है दीदी हमारी स्टार्टर, नो हेलमेट नो कोच, और वो भी एक हाथ से हैंडल भी नहीं पकड़ रखा। नाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज इस वीडियो के अंदर हम चला रहे हैं अपना डुकासुर। जब से भाई मनाली से आया ना, इसको मैंने निकाली ही नहीं है, मतलब चलाई नहीं बिल्कुल भी। तो अब इसके किलोमीटर कितने सही हो गए, 4777, तो 4770 किलोमीटर ये चल गई। और आज इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप लोगों से R15 वाली में। तो पहले मैं R15 वाली वीडियो की ना कुछ कॉमेंट्स पढ़ रहा था। आप लोग, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, आप लोग समझ कुछ और रहे हो। मैंने ये बोला है वीडियो के अंदर कि बाइक जो है वो दब रही है, ज़्यादा थ्रॉटल करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ R15 की जान निकल जा रही है और ये बाइक सूटेबल नहीं है लॉन्ग राइड के लिए। अब बहुत लोग मुझे क्या सजेशन दे रहे हैं, भाई उस बंदे को देख लो वो स्प्लेंडर से चला गया, भाई उस बंदे को देख लो उसने लद्दाख का रखा है। मैंने कहाँ ये बोला है कि इस बाइक से ये चीज़ नहीं हो सकती। मैंने तो एक भी जगह ये नहीं बोला कि आप इस बाइक से नहीं हो सकती, ये चीज़ मत करना। भाई करने को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर जो वो फटीक देगी, जो वो आपको फ्रस्ट्रेशन देगी ना कि यार मतलब बार बार थ्रॉटल ज़्यादा करना पड़ रहा है, पावर फील नहीं हो रही, वो सारी चीज़ों की आपको प्रॉब्लम लगेगी, भाई वो चीज़ बोली है मैंने। और दूसरी चीज़, कुछ बंदे कह रहे थे भाई कहाँ तुम 43 BHP की ये चला रहे हो ड्यूक 390, और फिर दूसरा तुम अब R15 चलाओगे तो तुम्हें तो पावर कमी लगेगी। भाई पूरी एक बारी जरा सीरियस ध्यान से आँख खोल के देख लो मैंने कितनी देर ड्यूक चलाई और कितनी देर R15 चलाई है, और अगर ये चीज़ आपने देखी होगी ना अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। मुश्किल से मैंने गिने चुने, मैं सही बता रहा हूँ, 1100-1200 किलोमीटर की राइड में से मैंने जेन्युइनली 100 किलोमीटर भी इस बाइक को नहीं चलाया होगा, पूरा टाइम इसको DDE चला रहा था। तो मैं यार वही चीज़ मैं देख रहा, मैंने कहा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये लोग समझ क्या रहे हैं। भाई R15 पे ऐसा नहीं हो नहीं सकता, कर लोगे, मगर जब उसके ऊपर वजन आता है ना तब वो भाई दबेगी ही दबेगी। और ये बात मैंने, ये नहीं है कि मनाली गया हूँ तो ही मेरे को पता चली है, ये बात मैं जब वहाँ गया था अपना केदारनाथ की साइड गया था, जब अपना मसूरी रोड ट्रिप पर गया था, जब आप पहली बार पहाड़ों पे लेके निकलोगे आपको खुद ये चीज़ फील हो जाएगी, खुद ये चीज़ मतलब लगेगा कि यार हाँ बाइक दम कम दिखा रही है। बट खैर छोड़ो R15 को, अब बात करते हैं डुकासुर के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर डुकासुर 390, मतलब इसकी बात करी जाए, इस बाइक ने कैसा पहाड़ों पे परफॉर्म करा है। इस बाइक की मेरी पहली लॉन्ग राइड थी, पहली बार इसको लेके गया था। कुछ इसमें मेरे थॉट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने इस बाइक को 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाया, पर यह है कि अगर 100 किलोमीटर चलाया ना तो वो 100 के 100 सिर्फ पहाड़ों में चलाई है मैंने इसे, नॉर्मल प्लेन रोड के ऊपर मैंने इसको नहीं चलाया है। तो जब मैंने इसको 100 किलोमीटर पहाड़ों में चलाया तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सिनेरियो रहा, तो मैंने सबसे पहले भाई देखो DD से पूछा था कि तेरे को कैसी लग रही है चलाने में। तो ओवरऑल प्लेन रोड्स के ऊपर ये बाइक एकदम बटरी स्मूथ चलती है, नो प्रॉब्लम नो इशू। 6th गियर डालो 90-100 पे आराम से क्रूज करते रहो, फ्यूल इफिशेंसी भी अच्छी आ जाती है और बाइक चलती भी बहुत मज़ेदार है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़ जो इसके नेगेटिव्स हैं पहले वो बताता हूँ। इसके सिर्फ दो नेगेटिव हैं, दो मतलब चीज़ ऐसी लगी जिन्होंने परेशान करा है। एक तो भाई इसकी सबसे ज़्यादा बेकार है सीट, मतलब सीट में कंफर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बहुत अनकंफर्टेबल सीट है इसकी, तो इतने लॉन्ग राइड पे परेशान करा है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ जिसने इसकी परेशान करा है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि मेरी गलती थी, मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, कि इस बाइक के अंदर जब नॉर्मल वाला मैंने पेट्रोल डलाया ना, इसके अंदर मैं हमेशा पावर वाला पेट्रोल डलवाता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं शोरूम पे इधर उधर ढूंढता रहता हूँ पावर दे दो पावर दे दो, तो इसमें पावर वाला पेट्रोल ही डलवाता हूँ और डलवाना भी वही चाहिए, रिकमेंडेड वही है इस बाइक के लिए। तो मैंने नॉर्मल डलवा लिया भाई, मजबूरी में पेट्रोल खत्म हो रहा था, 2 या 1 बार बचा था, मैंने कहा फ्यूल पंप थोड़ी फूकूंगा, 6-6.5-7 हज़ार रुपये की आइटम डलवा लेता हूँ एक बारी, मैंने कहा जो दिक्कत होगी देख लेंगे, अब जो भी होगा झेल लेंगे। तो जब मैंने वाला पेट्रोल डलवाया तो वो पेट्रोल डलाने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आई, भाई इसका जो क्रिस्प रिस्पॉन्स है ना, जो इसका एक्सीलरेशन है भाई, वो ख़त्म हो गया। मतलब ड्यूक जाने की इस चीज़ के लिए जाती है, मतलब अगर आपने, जैसे कि अभी मैं, दो बंदे बैठे हैं और मैं 5th गियर पे 58 पे हूँ, अगर मैंने ये करा है तो ये बाइक भगेगी, भगनी चाहिए ना। उस टाइम पे क्या हो रहा था भाई, फुल थ्रॉटल दे, मतलब फुल तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ रहा था, जहाँ इतना सा थ्रॉटल देने पे पूरी निकल जाती है ना नीचे से, वहाँ इतना थ्रॉटल देने पे बढ़ रही थी आगे को। तो नॉर्मल पेट्रोल भाई इस बाइक के अंदर चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, कभी मत डलवाना, किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा मैं नॉर्मल पेट्रोल के लिए। और बाकी अगर पहाड़ों पर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ये 400 CC का इंजन, 43 BHP की पावर और इतना बढ़िया, जैसे 38 Nm के कुछ आसपास इसका टॉर्क है, टॉर्क की मेरे को एग्जैक्ट फिगर अभी दिमाग में आ नहीं रही है, तो इतना बढ़िया जब सब कुछ ओवरऑल कंप्लीट सा पैकेज हो तो भाई आपको क्यों मज़ा नहीं आएगा। और उसमें भी जब मैंने इसकी एवरेज कैलकुलेट करी, जो मेरे से काफ़ी लोग R15 V3 की भी एवरेज पूछ रहे थे, तो V3 ने 42-45 की एवरेज दी थी और इस बाइक ने एवरेज दी थी क्लोज टू 27-28 की इसने एवरेज दी थी, जो ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल हाईवेज के ऊपर भी और पहाड़ों के ऊपर भी, ख़राब रास्ते में अच्छे रास्ते में, ओवरऑल कम्प्लीट एवरेज बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भी भाई इस बाइक ने मज़े बांध दिए, तो ओवरऑल भाई फिर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए बंदे को। तो मुझे तो भाई
जेनुइनली बताऊंगा, ड्यूक 390 को भाई कहीं भी ले जाओ, किसी भी ट्रेन पे चला लो, ऐसी बाइक है ये। हालांकि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट का ध्यान रखते हुए देखनी है ना, तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट एडवेंचर 390 के ऊपर आप लोग जा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छी है। तो देखो 390 का तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहा था, बाकी कोई ब्रेक डाउन, कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी चीज़ इसके साथ दिक्कत नहीं हुई थी, सारे में एकदम बढ़िया तरीके से चली थी। और पता है इसने 27 की एवरेज कैसे दी है, शायद इसकी एवरेज 27-28 से ज़्यादा भी हो सकती थी, मगर क्या सीन था, अगर इसको एक बंदा चलाता, या तो पूरा टाइम डीडी ही चलाता तो एवरेज अच्छी आती, या तो पूरा टाइम मैं ही चलाता तो और एवरेज अच्छी आ सकती थी, क्योंकि भाई हम सब स्वैप करके चला रहे थे, कभी मैंने चलाई, कभी साकिब ने चलाई, कभी लक्की ने चलाई, कभी डीडी ने भी पूरा टाइम चला और कभी मैंने भी चलाई थी, ऐसा था। और एक दो बारी एके भाई ने भी चलाई थी, मतलब हम जितने बंदे गए थे ना तो सब ने इसको चलाया था। तो ओवरऑल हर किसी को चलाने के बाद यही रिस्पॉन्स था कि प्रीत भाई मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, मतलब ड्यूक सूट दौड़ाने में मज़े आ रहे हैं, तो ये वाला सीन बन रहा था पूरा ड्यूक के साथ में। तो ये तो बात रही भाई देखो ड्यूक के बारे में। अब मैंने तो भाई एक चीज़ सोच लिया है, अब जो भी लॉन्ग राइड करूँगा ड्यूक पे ही करूँगा, और ऐसा नहीं है R15 से नहीं जा सकते, जा सकते हो, R15 भी गुड टू गो बाइक है, बस जो उसके नेगेटिव साइड थे, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने बता दी, उन चीज़ों के लिए आप लोगों को भाई प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वो चीज़ आपको फेस करने को मिलेंगी। ऑफ रोडिंग में R15 रुला देती है, और अगर यही बाइक ऑफ रोड पर जाती है तो मज़ा आता है इस बाइक के साथ। सस्पेंशन हैवी है, थोड़ी मोटी सस्पेंशन है ना, तो आपको वो दिक्कत परेशानी कहीं भी फील नहीं होती कि आपको झटके लग रहे हैं या फिर बम्प में उछल रही है या बॉडी पेन हो रहा है या फटीक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता इस बाइक के साथ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका USP रहता है। और मस्त ऐसा अगर हाईवे आ जाए ना तो मैं कसम से बता रहा हूँ, आप अपने साथ वालों के साथ भी नहीं चलोगे, आप 100, 120, 140 से नीचे नहीं चलाओगे। डीडी ने खुद इसे 140, 135, 140, 145 ऐसे चलाई थी उसने भी, अच्छी बढ़िया खींच के चलाई थी। तो कह रहा था कि भाई इस बाइक पर पता भी नहीं चल रहा है कि कब मैं इतना चल रहा हूँ। तो देखो भाई ए गलती हमारी पूरे डुकासुर की, लीन का तो भाई ये चैंपियन है डुकासुर अपना, साडा डुकासुर, साडा बरखुरदार। अब भाई बस असी जा रहे हैं यहाँ से सीधे सीधे सीधे। बाकी अगर देखो इन फ्यूचर कुछ और इशू आता है या और भी कुछ होता है तो वो मैं आपको डेफिनेटली और आने वाले अपकमिंग रोड ट्रिप्स के ऊपर बताऊंगा। बाकी इस बाइक के बारे में तो यार और कोई प्रॉब्लम सोच लेता हूँ कभी मेरे से मिस हो जाए। हाँ ये है कि ये हाई स्पीड पे विंड ब्लास्ट फेस करना पड़ता है ड्यूक के ऊपर, वो चीज़ R15 के ऊपर थोड़ी सी कम है, ये फ़ायदा है इसका, मतलब R15 का फ़ायदा है क्योंकि वो फेयर्ड बाइक है, ये बहुत कॉमन सी बात है, बेसिक सी बात है, हर किसी को पता ही होगी। तो बस थोड़ा सा इसके ऊपर विंड ब्लास्ट वाला सीन बनता है और कोई दिक्कत नहीं बनती। पीछे वाले ने हेलमेट लगा भी रखा और आगे वाला स्टड है भाई, एक तो हेलमेट भी उतार रखा और वो भी टूटा हुआ 100 रुपये वाला, क्या होगा भाई ऐसे लोगों का। DJB, व्हाट इज़ DJB बताओ, दिल्ली वाले बताओ। चलो वैसे पता होगा दिल्ली वालों को, मैं बता देता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड। मेरे से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई RS 200 की परफॉर्मेंस कैसी है। अभी थोड़ा सा भाई शेड्यूल बिजी है, अंकित भाई के पास जाने का टाइम नहीं लग रहा है, मैं आपको ब्रीफली यहीं पे बता देता हूँ, हालांकि उसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। RS वाले मेरे भाई खुश हो जाएंगे बात सुन के, RS वाले कहेंगे प्रीत भाई ये क्या बोल दिया तुमने, यकीन नहीं हो रहा कि तुम RS की तारीफ़ कर रहे हो, ऐसा बोलते हो भाई आप लोग। तो RS ने भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई ब्रेक डाउन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, यहाँ तक कि RS के अंदर जैसे R15 दबती है ना वो वाली दिक्कत भी नहीं है। बड़े इंजन के होने का, ज़्यादा पावर होने का और थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा होने का ना, वो चीज़ भाई आपको रियलाइज़ होती है, फील होती है आपको जब आप कहीं पे ना लॉन्ग ट्रिप पे होते हो। तो RS को जैसे दौड़ा रहे थे तो वो हवा के अंदर विंड ब्लास्ट में भी कोई ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, पहाड़ों के ऊपर चढ़ाने में भी परेशान नहीं कर रही थी। एक उसकी जो सस्पेंशन है वो ख़राब थी, वो तो भाई देखो दिल्ली से ही ख़राब थी, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसने रास्ते में परेशान करा है। और एक ये दीदी हमारी स्टड है, नो हेलमेट नो कुछ, और वो भी एक हाथ से हैंडल भी नहीं पकड़ रखा, नाइस। तो भाई RS ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, एक ही भाई वाले RS ने जेन्युइनली मज़े बांध के रखे थे। हाँ एवरेज की बात करी जाए तो RS ने भी 30 से ऊपर एवरेज नहीं दी होगी, जो कंफर्म बात है, क्योंकि जितना पेट्रोल मैंने ड्यूक में डलवाया ना उतनी बारी एके भाई ने भी अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया, भाई RS में पेट्रोल डाल दो, RS में पेट्रोल डाल दो। तो अगर इसने 27-28 दिया तो उसने 30-32 दी होगी इतनी एवरेज लास्ट, ठीक है। तो अब आपको सारी बाइकों की एवरेज बता दी है, सबकी कमियाँ बता दी, सबके फ़ायदे बता दिए। RS की कमी की बात करी जाए तो RS का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई मतलब मेजर इशू नहीं है RS के साथ, उसने उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जो सच बात है अच्छे से परफॉर्म करा है। अब नीतू वाली मतलब जो अपनी वो रेड वाली RS थी वही साली खराब होती रहती थी, वही बेकार थी। तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत, गुड नाइट गाइस, सो जाओ, गुड नाइट नहीं दोपहर हो रही है। बाय बाय।